माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वीडियो कक्षा में आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से आज का प्रकरण है कृष्ण गोपाल नंदना। कृष्ण गोपाल नंदना बड़ा ही मधुर शीर्षक है और भारतीय जनमानस से बिल्कुल संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। हम भारत के लोग लोकोत्तर महापुरुष श्री कृष्ण की जीवनचर्या से, उनके आदर्श मूल्यों से, उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों से सुपरिचित हैं और वे सभी उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग हम सबके जीवन के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। तो आइए प्रकरण की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस पाठ का परिचय हम लोग जान लें। प्रस्तुत पाठ गद्य विधा में है। छात्रगण, इसके पूर्व के अध्ययन में आपने गद्य को, पद्य को, चंपू काव्य को जान लिया होगा। तो यह आज का प्रकरण गद्य विधा में है और गद्य के लिए एक सूक्ति है, गद्यम कवीनाम निकसम वदंती। वास्तव में गद्य ही लेखकों की, कवियों की कसौटी है। ये गद्य विचार प्रधान रचना होती है, सारगर्भित रचना होती है, इसलिए ये कसौटी के रूप में ख्यात है। आइए पाठ परिचय के दूसरे सोपान पर चलते हैं और देखते हैं संस्कृत में गद्य का प्राचीन रूप यजुर्वेद संहिता में दर्शित होता है। विपुल साहित्य है संस्कृत का, विपुल साहित्य है। हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों के चारों वेदों में संस्कृत का विपुल ज्ञान भरा हुआ है, समाहित है। लेकिन वह पद्य की विधा में है। गद्य की विधा में सबसे पहले हमें यजुर्वेद संहिता में गद्य का दिग्दर्शन होता है। तीसरे बिंदु को देखें, पाठ में भगवान श्री कृष्ण के लोकोत्तर एवं अलौकिक स्वरूप का वर्णन है। जो पाठ आपके सामने है, ये लोकोत्तर महापुरुष थे, इसका वर्णन वर्ण है। चौथे बिंदु में आप देखें, पाठ में श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीला का ललित वर्णन है। छात्रगण, श्री कृष्ण ऐसे महापुरुष के रूप में हमारी धरती पर आए जिन्होंने अपने जन्म के साथ ही विभिन्न दैवीय लीलाओं को करना प्रारंभ कर दिया था। उन लीलाओं का आनंद लेते ही आत्मविभोर हो जाता है चित्त। तो इस पाठ में भी उनकी बाल सुलभ ललित लीलाओं का दर्शन आपको होगा। अगले बिंदु में देखें, पाठ में गोपाल नंदन श्री कृष्ण को दैवीय शक्ति के धारक के रूप में दर्शाया गया है। यानी जन्म तो एक बालक के रूप में होता है, कारागार में होता है, लेकिन जिस प्रकार का आचरण वे आचरित करते हैं उससे ये दर्शित होता है कि वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि लोकोत्तर महापुरुष थे। तो यह पाठ का परिचय है। पाठ परिचय के बाद आप आगे बढ़ें और देखें कि भारतीय दर्शन में, भारतीय चित्त वृत्ति में श्री कृष्ण क्या है। संस्कृत का एक वाक्य है, करसत इति कृष्णः, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है। दूसरी पंक्ति आप देखें, पापान करसत इति कृष्णः, जो पापों को अपनी ओर खींच ले वो कृष्ण है। यानी इस जगत में जो हमारे अभीष्ट हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो मोक्ष की ओर ले जाने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियों से, हमारी कर्मेंद्रियों से आचरित पाप कर्मों को अपनी ओर खींचकर सद्वृत्त की ओर, सन्मार्ग की ओर, सुपथ की ओर ले जाने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने समाज में किया। एतदर्थ वो अद्यतन वंदनीय हैं, पूजनीय हैं और भारतीय मानस में, हृदय हृदय में आज भी वो विराजमान हैं। आइए देखते हैं, गोकुल में गाय चराते कृष्ण। साहित्य में महाकवि व्यास के द्वारा और भक्त कवि सूरदास के द्वारा जो इनके वर्णन आते हैं उनमें इनके विविध रूप हमारे सामने आते हैं। गोकुल में गाय चराते कृष्ण, माखन चुराते व खाते कृष्ण, बंसी बजाते कृष्ण, अत्याचारी कंस का वध करते कृष्ण, द्रौपदी की लज्जा का रक्षण करते कृष्ण, शांति दूत कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण, लोकोपकारी कृष्ण और भारतीय जनमानस के हृदयस्थ भाव में
आज भी विराजमान कृष्ण को आप देख सकते हैं। कृष्ण के ये जो विविध कार्य हैं, यानी गीता में जो उपदेश उन्होंने सब्यसाची अर्जुन को दिया, वे उपदेश न केवल भारतवर्ष के लिए वरन सारी दुनिया के लिए चिंतन का विषय है। सारी दुनिया उन पर चिंतन कर उसे समझने के लिए आज भी प्रयत्नशील है और उन सिद्धांतों पर चलकर जगत का कल्याण, मानव का कल्याण करने की ओर अग्रसर है। प्यारे छात्रगण, हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। संपूर्ण धरती को हम अपना परिवार मानते हैं और यह अमर संदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया। योगिराज कृष्ण को आप देख लें, या बाल सुलभ लीलाएं करते हुए कृष्ण को आप देख लें, या शांति दूत के रूप में देख लें, कृष्ण का कहना था शांति खड्ग करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति। दुर्जन का नाश करने के लिए शांति रूपी तलवार को उठाने की आवश्यकता है। छात्रगण, हमें और आपको भी अपने जीवन में शांतिमय पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। अहिंसा का मार्ग जीवन में सर्वाधिक श्रेयस्कर है, यह भी भगवान श्री कृष्ण का एक मूलभूत संदेश है। आइए, भारतीय दर्शन में श्री कृष्ण का दर्शन हम लोगों ने किया, आगे बढ़ते हैं। आप हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे आप पूर्व के पाठों के अध्ययन के समय भली भांति जान चुके हैं कि इस संस्कृत खंड से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ का जो शीर्षक है, कृष्ण गोपाल नंदन, गोपाल नंदन कृष्ण। देखिए, इसका पहला अवतरण हम आपके सामने रखते हैं, इसे आप देखें। सुविदितम एव श्री कृष्णः लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। अयम् महापुरुषः सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। आप देखें, इस अवतरण में, इस गद्यांश में जो कठिन शब्द हैं उनको मैंने आपके लिए यहां लिया है। विदित यानी ज्ञात, लोकोत्तर यानी अलौकिक, प्राक अर्थात पूर्व। अब इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसे आप देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा में संदर्भ और हिंदी अनुवाद प्रमुख रूप से संस्कृत खंड से पूछा जाता है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से उद्धृत है। अब जो ऊपर आपने प्रस्तर खंड देखा, गद्य का जो अवतरण आपने देखा, उसका हिंदी अनुवाद आप देखें, यह भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। अब चलते हैं हम इस पाठ के दूसरे प्रस्तर खंड की ओर और देखते हैं कि दूसरे प्रस्तर खंड में श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। स पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। पश्चात् च आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारं विज्ञाय उभवापि कारागारे निक्षिपत्। तत्रैव कारागारे श्री कृष्णः जातः। अब इस प्रस्तर खंड के कठिन शब्दों का आप अवलोकन करें और अनंतर उसका हिंदी अनुवाद देखें। मातुलः मामा, विज्ञाय जानकर, उभवापि दोनों को किसको, वसुदेव और देवकी को, निक्षिपत डाल दिया कारागारे बंदी गृह, जिसे आजकल आप जेल कहते हैं। स्वभगिन्या अपनी बहन। अब संदर्भ के संदर्भ में आप देखें, चूंकि पाठ और प्रकरण वही है तो संदर्भ भी पूर्ववत होगा। हिंदी अनुवाद आप देखें, श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था, उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, बाद में आकाशवाणी से देवकी पुत्र द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जानकर दोनों को ही जेल में डाल दिया। वहीं जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब आप देखें, वसुदेव कौन थे, श्री कृष्ण के
जनक थे, पिता थे, वास्तविक पिता थे। यद्यपि कंस के षड्यंत्र से कृष्ण को बचाने के लिए इनके पिता वसुदेव ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था और गोकुल में ही नंद बाबा के घर इनका पालन पोषण हुआ था। तो वे भी पालक पिता कौन थे इनके? नंद बाबा थे। और पालक माता इनकी कौन थी? मैया यशोदा थी। तो आइए देखते हैं अब अगले खंड की ओर हम लोग चलते हैं। इस खंड के बाद तीसरा जो हमारा खंड है, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद्र मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत्। मध्यरात्रे यदा अयम उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मुसलधाराः वर्षाः अकुर्वन्। तदा रात्रिः अंधकारपूर्णा आसीत्। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थं सद्यो जातं तम आदाय उत्तालतरंगाः यमुनायाम उत्तीर्य गोकुले नंदगृहं प्रापयत्। तत्र बाल्यादेव श्रीकृष्णः जनानां हृदय वल्लभः अभवत्। अब आप देखें श्रीकृष्ण को किस प्रकार उनके पिता वसुदेव जी ने, देखिए आपके सामने एक चित्र दर्शित हो रहा है, बालक श्रीकृष्ण को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए वसुदेव जी उफनती हुई यमुना नदी को पार कर अपने हृदय हार को गोकुल में पहुंचाने जा रहे हैं। इसमें जो कठिन शब्द आपके सामने हैं, मध्यरात्रे आधी रात, मध्यरात्रे आधी रात, घटाटोपाह घटाओं से घिरे, मेघाह बादल, सद्यो जातम तुरंत उत्पन्न यानी नवजात, और आदाय लेकर, उत्ताल तरंगाह ऊंची ऊंची लहरों वाली, उत्तीर्य पार करके, प्रापयत पहुंचा दिया, हृदय वल्लभ हृदय को प्रिय, हृदय को प्रिय, ये इसके कठिन शब्द हुए। अब इसके अनुवाद की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका अनुवाद और संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। संदर्भ पूर्वत होगा, हिंदी अनुवाद आप देखें, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास। एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है, भाद्रपद। हिंदी में जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों के नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लें, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ, ये हिंदी के 12 महीने हैं। इनमें भी कुछ ऐसे महीनों के नाम आए जो सामान्य प्रचलन में नहीं हैं, जैसे आश्विन, ये शुद्ध हिंदी है, तत्सम शब्द है ये आश्विन, आश्विन का अर्थ हुआ कुआर, जिसे आप कुआर कहते हैं, भाद्रपद यानी भादों, मार्गशीर्ष यानी अगहन। तो इन 12 महीनों को भी आप अलग से अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखकर इन्हें भी कंठस्थ कर लेंगे। आइए देखते हैं श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की, पक्ष महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा न्यूनता की ओर होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ने की ओर होता है, और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल पूर्ण कलाओं के साथ आसमान में उदीयमान होता है और चांदनी रात हो जाती है, तो उसी को शुक्ल पक्ष कहते हैं और अंधेरे पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। तिथियां भी हमारी हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। कृष्ण पक्ष में ये होती हैं और शुक्ल पक्ष में अमावस्या के स्थान पर पूर्णिमा तिथि हो जाती, तो 15-15 दिन का एक एक पक्ष होता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? भादौ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। आधी रात में जब यह उत्पन्न हुए तब आकाश में घटाओं से घिरे बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। उस समय अंधकार पूर्ण रात्रि थी, किंतु वसुदेव ने तुरंत उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए उन्हें लेकर
ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। वहां बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय में प्रिय हो गए। आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण गद्य अवतरण की ओर चलते हैं और देखते हैं। आप देखें, इसका हम वाचन कर रहे हैं। संस्कृत में वाचन का, शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है, क्योंकि यह देववाणी है। और छात्रगण, आपको पूर्व के पाठों में यह ज्ञात हो चुका होगा कि संस्कृत ही मात्र विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसके वाक्यों में शब्दों के स्थान परिवर्तन कर देने पर भी अर्थ परिवर्तन नहीं होता। यह बड़ी विलक्षण विशेषता हमारी इस देववाणी संस्कृत की है। शेष भाषाओं में यह सुविधा प्राप्त नहीं है। अन्य भाषाओं में यदि आप किसी वाक्य में शब्द का स्थान बदल देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आइए, खैर, बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत् कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहं नयति अपरा तम दुग्धं पाययति अन्या च तस्मै नवनीतं ददाति। श्री कृष्णः प्रेम्णा दत्तं दुग्धं पिबति नवनीतं च खादति अवसरं प्राप्य स स्वमित्रैः गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादति मित्रेभ्यः ददाति अवशिष्टं दधि भूमौ पातयति यदा कदा दधि भाण्डं च त्रोटयति एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौन्दर्येण च प्रभावितः नः कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परं सर्वे तस्मिन् स्निहन्ति। अब आप देखें, भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र दही विलोते हुए, मटकी से दही निकालकर गिराते हुए खाते हुए आपके सामने है। ये भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः एक ऐसे महापुरुष थे जिनकी जीवन लीला को पढ़कर हम लोग भी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। संस्कृत में एक श्लोक इनके लिए, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। ये भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय विशेषता थी। किसी के घर में प्रविष्ट हो जाना, उसकी आज्ञा के बिना दही उतार लेना, उसे बिलो देना, खा लेना, दधि भांड को तोड़ देना, ये इनकी इस प्रकार की ललित लीला थी, नारायण लीला थी कि लोग क्रुद्ध होने के बजाय इनसे प्रसन्न होते थे, इनसे स्नेह करते थे। आइए देखते हैं अब इसके संदर्भ को, कठिन शब्दों को और इसके हिंदी अनुवाद को। कठिन शब्दों को हमने आपके लिए यहां लिया है, अहरत यानी हर लिया, अंके यानी गोंद, निधाय लेकर, नयति ले जाती हैं, अपरा दूसरी, पाययति पिलाती, नवनीतम मक्खन, प्रेमड़ा प्रेम पूर्वक, दधि भांड दही रखने का पात्र यानी मटकी, त्रोटयति तोड़ देना। छात्रगण, यह भी गद्यावतरण इसी पाठ से है जो आपके सामने पाठ के संबंध में चर्चा हो रही है, तो संदर्भ पूर्वत रहेगा। आइए इसका हिंदी अनुवाद भी हम देख लेते हैं। बचपन से ही इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी लोगों के मन को मोहित कर लिया। कोई गोपिका उन्हें गोदी में लेकर अपने घर ले जाती, दूसरी उन्हें दूध पिलाती और अन्य कोई उन्हें मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर पाकर वे अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी घर में प्रविष्ट होकर दही खाते, मित्रों को देते, शेष दही को जमीन पर गिरा देते और कभी कभी दही के पात्र यानी मटकी को तोड़ भी देते। यह सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, बल्कि अपितु सभी उनसे स्नेह करते थे। आइए इस पाठ के अगले महत्वपूर्ण अवतरण की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं
कि इस गद्य अवतरण में लोकोत्तर महापुरुष श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्या कहा गया है। आइए सबसे पहले हम संस्कृत खंड का वाचन करते हैं। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालय सह वनम गत्वा गाह चारयति तत्र च वेणुम वादयति अनेन सर्वाह गावः गोपालाश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणु वादनम श्रृण्वन्ति। महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायां तस्य बाल लीलायां अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। ये संस्कृत का खंड आपने देखा। इस खंड में आए हुए कठिन शब्दों का अवलोकन आप करें। अनंतरम यानी पश्चात, वेणु यानी वंशी, विहाय छोड़कर श्रृण्वन्ति सुनते थे। कौन सुनते थे? ग्वाल बाल सुनते थे। यहां देखिए लोकोत्तर महापुरुष का एक चित्र आपके समक्ष है। हाथ में वंशी है, मुद्रा आप देख रहे हैं, गोमाता उनके पास में है। वन में जाकर देखिए, एक आपको राष्ट्रीय पक्षी मोर भी दिख रहा है इस चित्र में। इतना सुंदर चरित्र था, इतना स्नेहिल चरित्र था, इतना मनोरम और चित्ताकर्षक व्यवहार था आपका कि लोग अपने आप इनकी ओर खींचे चले आते थे। जंगल का यह दृश्य आप देख रहे हैं, गोचारण का यह दृश्य आप देख रहे हैं। जैसा कि आपने उस गद्य में देखा कि महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, महाकवि सूर ने हिंदी भाषा में इनका बड़ा ही मनोरम, विशद और व्यापक तथा ललित वर्णन किया है। आइए इसका हम संदर्भ देखते हैं और अनंतर हिंदी अनुवाद की ओर चलते हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा और हिंदी अनुवाद आप देखें। इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गायों को चराते और वहां बंसी बजाते। इससे सभी गायें और ग्वाले, सभी गायें और ग्वाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखें महाकवि सूरदास की बात आई, महाकवि व्यास जी की बात आई। निश्चित रूप से संत शिरोमणि सूरदास जी जो हिंदी साहित्य के, भक्ति काल के, सगुण मार्गी काव्यधारा के, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जो लेखनी चलाई, ईश्वर की कृपा कह लीजिए, परमात्मा की अहेतुकी कृपा कह लीजिए कि उनकी लेखनी से निस्सृत वाक्य और शब्द, शब्दों से निर्मित वाक्य इतने मनोरम बन गए कि पढ़ते समय पाठक मंत्र मुग्ध हो जाता है। गाय चराने के लिए उन्होंने लिखा, मैया हौ न चरई हौ गाय। कितना सुंदर ये इनका पद है सूरदास जी का। या मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पिवत भय, यह अजहू है छोटी। तो इस प्रकार से सूरदास ने श्री कृष्ण के संबंध में इतने ललित गीतों को गाया उन्होंने कि वह गान आज भी भारत के जन जन के हृदय में गुंजायमान है। आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये यदा अयम बालः एव आशीत तदा कंसः तम हन्तुं क्रमशः बहून राक्षसान प्रेषयत। परम श्री कृष्णः स्वकौशलेन शौर्येण च तान सर्वान अहन् स न केवलं राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपद्भ्यः गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। एकदा वर्षाकाले गोकुले यमुनायाः जलं वेगेन अवर्धत तदा श्रीकृष्णः स्वप्राणान् अविगण्य सर्वान् गोकुलनिवासिनः अरक्षत। एव निरन्तरं गोकुलवासिनां जनानां कष्टानि निवारयन् तेषां हृदये पदं धारयत। अतः श्रीकृष्णः बाल्यकालाद् एव सोत्तमैः गुणैः परोपकार भावनया च लोके प्रियः अभवत। अब आप देखें इस अवतरण के कठिन शब्दों को देखें और श्री कृष्ण ने देखिए अपनी उंगली पर अपने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए
पर्वत उठाया है, तब से ही इनका एक नाम गिरधर भी हो गया। आइए कठिन शब्दों को देखते हैं। प्रेष्यत भेजा, हंतुम मारने के लिए, सौरेण पराक्रम से, अहन मारा, अभिगण्य चिंता न करके, पदम धारियत स्थान बना लिया। अब आगे आइए देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ये संदर्भ के साथ संदर्भ पूर्वत है। हिंदी अनुवाद आप देखें, प्रिय छात्रगण आप जानते होंगे कि कंस कौन थे, कंस कौन था, श्री कृष्ण के मामा थे, श्री कृष्ण के मामा थे, देवकी के भाई थे। लेकिन कृष्ण का एक जो अभीष्ट था कि अत्याचार का अंत करना, कोई भी अत्याचारी हो जो सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करता हो, वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। निश्चेष्ट होकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आदर्श क्या है, नैतिक जीवन मूल्य क्या है, यदि आप न्याय की कुर्सी पर हैं तो फिर अपने पराये का भेद छोड़ दें। यदि अपराधी आपके सामने आता है, भले ही वो आपका भाई क्यों न हो, उसे आप विधि के समक्ष, विधि के अनुसार दंड के प्रावधानों का अनुसरण करिए, कीजिए और उसे दंडित कीजिए। आइए देखते हैं हिंदी अनुवाद। जब ये बालक ही थे तब कंस ने इन्हें मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा, किंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम से उन सबको मार दिया। उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से भी गोकुल वासियों की रक्षा की। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बहने लगा, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करके सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इस प्रकार निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अभ्यास आप कैसे करेंगे। तो आप प्रश्न अभ्यास में देखें, प्रतिदर्श प्रश्नों के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न हमने उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष रखे हैं। श्री कृष्ण कः आसीत्, उत्तर श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। दूसरा प्रश्न, कंसः कः आसीत्, उत्तर श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। तीसरा प्रश्न आप देखें, श्री कृष्णस्य जन्म कदा अभवत्, उत्तर श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्यां तिथौ अभवत्। अब आप देखें इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास आपको घर में करना है। संस्कृत खंड से छोटे छोटे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी आपसे पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने कुछ रखे हैं आपके सामने, श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे। इस हिंदी वाक्य का संस्कृत अनुवाद देखें, श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुषः आसीत। दूसरा वाक्य देखें, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, श्री कृष्णस्य जन्म मथुरायाम अभवत। और तीसरा वाक्य देखें, कंस कौन था, कंस कह आसीत। अब आप आगे बढ़ें और देखें कि आप अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप स्वाध्याय कितना करते हैं। आइए आपके लिए स्वमूल्यांकन के लिए जो हमने प्रश्न दिए हैं, पाठ में आए हुए संधि युक्त शब्दों को सूचीबद्ध करते हुए संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। दूसरा, पाठ में आए हुए सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। तीसरा, श्री कृष्ण के जीवन वृत्त के संबंध में अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हुए कथा अपने शब्दों में लिखिए। इससे आपकी मौलिकता संवर्धित होगी और आप लोकोत्तर महापुरुष श्री कृष्ण के समग्र जीवन दर्शन के बारे में जान पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं और पूरे विश्वास के साथ ये कह भी सकता हूं कि इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण गद्यावतरणों का अवलोकन आपने किया, कठिन शब्दों को आपने जान लिया, हिंदी अनुवाद आपने जान लिया, संदर्भ लिखना आपने जान लिया और इस पाठ से संबंधित छोटे छोटे संस्कृत प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना,
हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, इसकी संप्राप्ति आपको हो गई होगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि घर में जाकर इस पाठ का आप बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने इस लक्ष्य में सफल होंगे। धन्यवाद।